फरवरी पूरा पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग लूसेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। उधर बुक है लूसेंट, लाइए। चलिए लूसेंट में सिलेबस में आज दिया गया था हिस्ट्री का एक पन्ना और सिविक्स का एक पन्ना दिया गया था, और विविध हम लोग चला रहे हैं। विविध में पढ़ बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बताइए, वह कौन ऐसा पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो भाग में विभाजित करता है, उत्तर और दक्षिण में? विंध्याचल, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है। चलिए बताइएगा, सबसे पहले वह इतिहासकार का नाम बताए ना, सबसे पहले वह कौन इतिहासकार है जो इतिहास को बांटा है? क्रिस्टोफ सेलियरस। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? इतिहासकार, इतिहासकार जर्मनी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितना भाग में बांटा गया है? तीन भाग, मुख्यतः चार स्रोत से मिलता है। चलिए कौन कौन सा है? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा, हाँ चौथा में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? चार वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को अलग कर देते हैं। हाँ चलिए बताइएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। चलिए बताइए, वेदों का संकलनकर्ता किसे का माना जाता है? महर्षि कृष्ण दम्प्यान वेद व्यास को माना जाता है। चलिए बताइएगा, भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को क्या कहा गया है? जय संहिता, अपौरुषेय नहीं, अपौरुषेय, अपौरुषेय। चलिए, इन चारों वेदों को एक जगह मिला दिया है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा, ऋग वेदों में मंडल की संख्या कितनी है? दस है, और सूक्त की संख्या 228 है। बाल लिखे पाठ के 11 सूक्त के सहित अगर 11 हटा दीजिएगा तो 1017 होगा, ठीक। चलिए बताइए, ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10462 है। चलिए बताइएगा, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में किस वेद से जानकारी मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। चलिए बताइएगा, चलिए नौवें मंडल में किसका चर्चा किया गया है? सोम का चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल से? तीसरे मंडल से लिया गया है। चलिए बताइएगा, आठवीं हस्तलिखित ऋचाओं का खिल का चर्चा किस मंडल में किया गया है? आठवीं मंडल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? दसवीं मंडल से मिलता है। चलिए बताइएगा, इसके अनुसार जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांटा गया था, और इसमें जो है ब्राह्मण के मुख से किनका जन्म हुआ था? मुख से जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण का हुआ था, और भुजाओ से क्षत्रिय, और वैश्य से आपको जांघा से वैश्य का हुआ था, और शूद्र का पैर से हुआ था, चरण से हुआ था। चलिए बताइएगा, ऋग्वेद का सबसे अंत में कौन सा मंडल जोड़ा गया है? पहला और दसवां मंडल, पहला और दसवां लास्ट में जुटा है। सबसे पुराना मंडल कौन है? दूसरा और सातवां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वामन अवतार के तीन पोगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद से मिला है? ऋग्वेद से मिला है।
चलिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना मंत्र आया है? 250। इंद्र के लिए 250 आया है और अग्नि के लिए 200 आया है। चलिए बताइएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो सन आता था उसको क्या बोलते थे? बीसी बोलते थे, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। और उनके जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, उसका हाँ एनो डोमनी। ये एडी याद रखिएगा, एडो डोमनी, क्योंकि पूछता है कभी कभी। ठीक, हमारा जो कैलेंडर है अभी वो किस कैलेंडर पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद को यजुर्वेद को कितना भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। चलिए कौन कौन से भाग में बांटा गया है? नहीं, वो तो गद पद, वो तो दोनों में हाँ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए बताइएगा, यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधान के संकलन मिलने के कारण इसे कौन सा वेद बोला जाता है? कर्म कांडीय वेद कहा जाता है। चलिए बताइएगा, वो कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद है। चलिए बताइएगा, शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसेन्य संहिता कहा जाता है। चलिए, और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री तो आपको यजुर्वेद का बोलते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अधवरायु। हाँ, ऋग्वेद का होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के अधरायु कहते हैं। ठीक, चलिए बताइएगा, सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? उदात्री बोला जाता है। इसके संकलनकर्ता किस वेद पे आधारित है? सामवेद का संकलनकर्ता किस वेद पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? 1810 है। और ऋचाओं की संख्या 1875 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वह कौन ऐसा वेद है जिससे ऐतिहासिक घटनाओं का कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिला है? अथर्ववेद है और आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिली है, जबकि यजुर्वेद और सामवेद से कोई ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी नहीं मिली है। चलिए बताइएगा, अथर्ववेद का रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि है। चलिए बताइएगा, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 731 मंत्र है और पद की संख्या 6000 लगभग पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला है? अथर्व वेद में मिला है। जादू टोना का जो है उसका चर्चा किस वेद में किया गया है? अथर्व वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अथर्व वेद में परीक्षित को कुरुओं का क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। चलिए बताइए, सभा एवं समिति को प्रजापति को क्या कहा गया है? दो पुत्री का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। चलिए बताइएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी है। और सामवेद का सामवेद का पंचविंश है। अथर्ववेद का कल बताए थे, अथर्ववेद का गोपथ, यानी अथर्व माने अर्थ ले लीजिए, गोपथ जमीन पे चलिएगा तो याद होगा, गोपथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है।
जिनमें मूल रूप से कितना है 13 है, मूल रूप से उपनिषद के श्रेणी में 13 को ही रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वो कौन ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगनी कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चार आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, जाबलो उपनिषद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गुप्त युग का चर्चा किस स्मृति में मिलता है, गुप्त बोले हैं, गुप्त में नारद स्मृति, नारद स्मृति, नारद जी एक बोलते हैं नारायण नारायण, गुप्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए बताइएगा, सबसे प्राचीन जो है आपको कौन सा स्मृति है, मनु स्मृति है। चलिए बताइएगा, यह किस काल का मानक ग्रंथ है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। चलिए बताइएगा, वेदों के भले भांति पढ़ने के लिए कितना वेदांग की रचना की गई है, 6 वेदांगों की रचना की गई है, कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सूत्रों में सबसे प्राचीन किसे माना गया है, गौतम धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र को माना गया है। चलिए बताइए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है, पुराणों से मिलता है। चलिए बताइए, पुराण का जो रचयिता कौन है, उसका लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वत है, उग्र सर्वत है। इनकी संख्या कितनी है पुराणों की, 18 है। चलिए बताइए, कितना पुराणों में वंशावली का चर्चा मिलता है, पांच पुराण में मिलता है, कौन कौन है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और आपको ब्राह्मण पुराण। चलिए, विष्णु पुराण में किस वंश का चर्चा मिलता है, मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। मत्स्य पुराण में सत्वाहन का मिलता है और वायु पुराण में गुप्त वंश का मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से वो कौन ऐसा पुराण है जो सर्वाधिक प्रचलित है, अग्नि पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हीनयान का प्रथम, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है। चलिए बताइएगा, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को क्या कहते हैं, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञात किससे होता है, मतलब वही बोले क्या कहां से, मतलब तो ये होगा आपको कल्प सूत्र से। चलिए बताइएगा, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य, उनका और नाम क्या क्या है, कौटिल्य या विष्णु गुप्त है। हाँ, वो जो अर्थशास्त्र लिखे हैं उसको कितना अधिकरण में बांटा गया है, 15 अधिकरण और प्रकरणों की संख्या कितनी है, 180 है। इसका अनुवादक किसे कहा जाता है, कौन है इसका अनुवादक, श्याम शास्त्री है। अर्थशास्त्र से किस वंश का चर्चा मिलता है, उसमें मौर्य वंश का चर्चा मिलता है। चलिए बताइएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, राज तरंगनी लिखा गया। राज तरंगनी में किस राज्य का चर्चा किया गया है, कश्मीर का चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के सिंध विजय का वृतांत कहाँ से मिलता है, चचनामा से मिलता है। चलिए बताइए, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि है। चलिए, अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था, लिपि का जो लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले अष्टाध्यायी में ही किया गया था। चलिए बताइएगा,
पुष्यमित सुंग का पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? महाभाष्य। महाभाष्य। चलिए कल इसमें आप लोग पढ़िएगा पेज नंबर 3 और 4। तीन और चार पढ़ना है। चलिए अब इसमें हम शुरू करते हैं आपको सिविक्स। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए बताइएगा किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिला है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए इसका विशेषताएं देखते हैं। किस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। चलिए बताइएगा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1774 में किया गया था। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। चलिए इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मुख्य न्यायाधीश के साथ में चार थे और मुख्य न्यायाधीश को छांट दीजिएगा तो तीन हो जाएंगे। चलिए कौन कौन थे? सर एलिजा इम्पे और अन्य तीन न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए बताइएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? 73 में जो कमियां, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसमें जो भी कमी था उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत ये दोनों दोहरा प्रशासन बनाया गया? 1784। चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले में ये सब मैंने देख रेख करता था? व्यापारी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला में देख रेख करते थे। चलिए बताइएगा किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1813। रेगुलेटिंग 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए बताइएगा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने से इसमें क्या किया गया था? कंपनी, हाँ, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया था और इसमें कुछ को छूट भी दिया गया था, जैसे चीन के साथ आप व्यापार कर सकते थे, हाँ, चाय का व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ये समाप्त कर दिया गया था। चलिए बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? कौन? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए बताइएगा, चलिए दास प्रथा को विधि विरोध घोषित कब किया गया? 1843 में किया गया। चलिए बताइएगा मकाले अध्यक्षता के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब सौंपा गया? 1858। ये जो 1857 का क्रांति हुआ था उसके बाद से इसको लेकर वहाँ के मतलब कि क्राउन को दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा,
भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण कब स्थापित किया गया? 1858 के तहत ही किया गया। चलिए बताइए, मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा खत्म कर दिया गया उसको। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल के नाम बदलकर वायसराय कब किया गया? 1858 में ही किया गया था। चलिए, इसके तहत पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। हाँ, प्रथम वायसराय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। चलिए बताइएगा, चलिए महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। चलिए बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? एक जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया था। चलिए बताइएगा, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंद कब किया गया? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें क्या था, ये जो बांटा गया था उसमें मुस्लिम केवल किसको वोट देने का अधिकार दिया गया? केवल मुस्लिम ही वोट दे सकता था, अदर कोई नहीं दे सकता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में जो मेंटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार कब शुरू हुआ? 1919 में शुरू हुआ। चलिए बताइए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना कब की गई? 1919 में की गई। चलिए बताइएगा, इसके अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होता और उनके कार्यकाल कितने दिन के था? 5 वर्ष का था। चलिए बताइएगा, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144 था, जिसमें निर्वाचित कितने हुए थे? 104 निर्वाचित थे और मनोनीत 40 थे। और इसका जो कार्यकाल था कितना दिन का था? 3 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारतीय सचिव के अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है, किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1919 के एक्ट के तहत दिया गया था। चलिए बताइएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? 1919 एक्ट के तहत कब किया गया? 1926 में किया गया। 1926 में किया गया। चलिए बताइएगा, ली आयोग के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए, वह कौन सा अधिनियम है जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? साइमन कमीशन के रिपोर्ट, 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम जो है आपको साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए बताइएगा, 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 321 अनुच्छेद था और अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूची थी। चलिए, इसमें कल पढ़िएगा आप लोग 177 और 178 सिविक्स में।
पेज और 178 पेज पढ़ना है। 161 है। अच्छा पुराना वाला में अलग होगा, ये नया वाला बुक है। चलिए अब आइए इधर विविध में दिया गया था। हाँ विविध में आज भारत में प्रथम महिला पढ़ना है। चलिए भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। चलिए लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए बताइएगा किसी राज्य के विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा के। चलिए प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। और भारत मिला देगा तो उसमें यानी कि सरोजिनी नायडू हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रथम महिला यानी कांग्रेस के अध्यक्षता कौन की थी? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, भारत मिलाएगा तो। ऐसे जनरली पूछेगा तो एनी बेसेंट। चलिए इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? आरती शाह। चलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था इनको? 1979 में और 80 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए बताइएगा नहीं 1979 में नोबेल पुरस्कार और 80 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? कुमारी रीता फारिया थी। एवरेस्ट पर लगता दो बार चढ़ने वाली महिला कौन बनी? प्रथम महिला संतोष यादव। चलिए बताइएगा ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मलेश्वरी है। कौन सा पदक मिला था इन्हें? कांस्य पदक मिला था। चलिए बताइएगा वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्वा बनर्जी। दुर्वा बनर्जी। चलिए बताइएगा व्यक्तिगत ट्रेक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। पीटी उषा थी। चलिए बताइएगा दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। प्रतिमा पुरी थी। चलिए बताइएगा प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी? चोकिला आयर। चोकिला आयर बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? नीता अंबानी बनी। ओलंपिक में पदक जीतने लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। चलिए बताइएगा अवनील लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। चलिए बताइएगा ये कौन सा पदक जीती है पैरा ओलंपिक में? स्वर्ण पदक जीती है। चलिए बताइएगा प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? दुर्गा बनर्जी नहीं, पी बंधो उपाध्याय थी। पी बंधो उपाध्याय थी। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? भानु अथैया। भानु अथैया है गांधी फिल्म के लिए। चलिए बताइए अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेहर मूसा थी। मेहर मूसा थी। चलिए भारतीय सिनेमा के प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है बनी थी? फातिमा मीरा साहिब फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? नहीं, उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं तो लीला सेठ। लीला सेठ। लीला सेठ। चलिए बताइए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? निर्जा भनोट थी। निर्जा भनोट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। अच्छा चलिए भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी?
एनी बेसेंट नहीं, नहीं भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए इसमें कल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला पेज पढ़ना है भारत में प्रथम पुरुष, और उसमें एक मिलेगा आपको भारत में प्रथम अन्य। चलिए चलिए इस सेशन को अभी हम लोग समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी समय। धन्यवाद। चलो।